हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय संदीप दुबे में। और ये है हमारा प्यारा भारत। भारत एक ऐसी जगह है जहां सांस्कृतिक धरोहर की कोई कमी नहीं। तरह तरह की कलाकृतियां, धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर स्थित है। भारत का धान का कटोरा कहे जाने वाला राज्य छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य 2012 में बिलासपुर से 2011-12 में बिलासपुर से मुंगेली अलग होता है। तो छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला में स्थित हरिहर क्षेत्र मतकू द्वीप के बारे में आज जानेंगे। अच्छा, इसके बारे में बता दूं, बिलासपुर से 37 किलोमीटर दूर बैतलपुर के पास, बैतलपुर से 4 किलोमीटर दूर ग्राम ठेलकी बसन से लगा हुआ है द्वीप। हरिहर क्षेत्र केदार द्वीप या मतकू द्वीप के नाम से जाना जाता है। इस जगह की बात ही कुछ अलग है। प्राकृतिक सुंदरता से विद्यमान यह द्वीप अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है। यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है जहां सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। हरिहर क्षेत्र मतकू द्वीप छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला में शिवनाथ नदी पर स्थित है। यह नदी उत्तर और पूर्वोत्तर दिशा में दो भाग में बंटकर एक द्वीप का निर्माण करती है। शिवनाथ नदी के बहाव के कारण द्वीप दो भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग जो 20 से 35 एकड़ में फैला हुआ है, जबकि दूसरा भाग 40 से 45 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी आकृति मंडूक का है। मंडूक मतलब मेढक क्या करता है। ऐसा मान्यता है कि मंडूक ऋषि ने यहाँ मंडूकोपनिषद की रचना की, जिसका जिक्र आपको विष्णु पुराण में मिलेगा। अर्थात विष्णु पुराण में भी मतकू द्वीप का जिक्र किया गया है। यह द्वीप बहुत ही पवित्र है क्योंकि यहाँ शिवनाथ नदी पूर्व वाहिनी हो जाती है, मतलब पूर्व की दिशा में बहने लगती है। एक कथा है दोस्तों, यहाँ के जो राजा थे उनका आराध्य देव शिव जी रहे, मतलब विश्व अधिकांशतः शिव जी की प्रतिमाएं प्राप्त होती है। अच्छा, वर्ष 2011-12 के आसपास यहाँ उत्खनन का कार्य प्रारंभ होता है। पद्मश्री से नवाजा गया हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय श्री अरुण शर्मा जी, जिन्होंने कालीबंगा, भोरमदेव जैसे कई ऐतिहासिक स्थलों में भी सहयोग दिया उत्खनन में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में। उनके साथ शांताराम जी और कई महानुभावों के प्रयासों से यहाँ उत्खनन प्रारंभ होता है। अच्छा, अब मतकू द्वीप मंदिर के जैसे अंदर जाते हैं, द्वीप के अंदर जैसे ही जाते हैं, तो इसके मुख्य द्वार पहुंचने के बाद दाईं तरफ में 11वीं से 12वीं सदी के बीच का एक मंदिर है, धूमेश्वर महादेव मंदिर। थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो राधा कृष्ण मंदिर सामने में बना हुआ है। फिर कलचूरी काली गणेश जी की प्रतिमा, अच्छा गणेश जी की प्रतिमा ना एक विशाल बकुल वृक्ष के नीचे विद्यमान है। वर्तमान में यहाँ तो बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया जा चुका है। आगे देखते हैं श्री हनुमान जी का मंदिर, प्राचीन मंदिर भी यहाँ विद्यमान है, वो स्थित है। इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल के लघु पाषाण शिल्प, सिरविहीन राज प्रतिमा और खुदाई के दौरान ऐसे कई चीजें प्राप्त हुई, जैसे 6 शिव मंदिर, 13 स्पार्थलिंग, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण आदि कई कई मंदिर के कई मूर्ति प्राप्त है। अब सभी मूर्ति को एक जगह प्राप्त होने का यहाँ एक मंदिर का भी निर्माण करवाया जा चुका है, जो यहाँ का आकर्षण को, जो यहाँ के महत्व को और बढ़ाता है दोस्तों। अच्छा, यहाँ की और कई विशेषताएं हैं। यहाँ 100 साल से भी ज्यादा मसीही मेला हर वर्ष फरवरी माह में आयोजन करवाया जाता है मसीही समाज के द्वारा। उसके बाद हिंदू मेला जिसे पूर्णिमा माह में मनाया जाता है, जिसमें मड़ई मेला का भी आयोजन करवाया जाता है। उसके बाद फागुन माह में महाशिवरात्रि के पर्व पर 3 दिवसीय यज्ञ का भी आयोजन करवाया जाता है, जिसमें पहले दिन विशाल कलश यात्रा। अच्छा, यहाँ का जो कलश यात्रा है छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है, जिसमें आसपास के समस्त गांव बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दूसरे दिन कई धार्मिक अनुष्ठान, अभी वर्तमान में कुछ पिछले 1 या 2 साल पहले विष्णु सहस्त्र पूजा भी प्रारंभ करवाया गया है, और अंतिम दिन यज्ञ समापन होता है। अच्छा, ये जो पूरा जितना भी आयोजन है, ये आरएसएस संस्था का, यहाँ पास आरएसएस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब वो जितना भी आयोजन होता है उसमें आरएसएस संस्था अपने आप पर। अच्छा, हरिहर क्षेत्र मतकू द्वीप छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थानों में से है। यह एक पवित्र स्थान है, प्राकृतिक रूप से परिपूर्ण है, प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। अच्छा, वर्तमान में अमरकंटक के महाराज के शिष्य श्री राम रूप दास जी महाराज पिछले 2 वर्षों से हरिहर क्षेत्र में निवासरत है। उनकी एक छोटी सी सुंदर सी पर्णकुटी है दोस्तों। उन्होंने लोगों को हरिहर क्षेत्र से केदार द्वीप से जोड़ने के लिए बहुत ही प्रयास किए और अभी भी जारी है। उनका योगदान हमेशा सराहनीय रहेगा। वो महाराज जी एक दिग् पुरुष है जो समाज सेवा, जो जन सेवा के लिए हमेशा सामने आते हैं। उनके पर्णकुटी में, उनके द्वार में जो भी जाएगा वो बिना खाए आ ही नहीं सकता दोस्तों। वो बहुत ही शांत, साधारण स्वभाव के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं।
ऐसे इस छोटे से सीरीज को, इस छोटे से इन्फॉर्मेशन के लिए आप, मैं आप सभी को धन्यवाद करूंगा। अगर अच्छा लगे तो कृपया वहां घूम के आइए, देख के आइए वो जगह। मेरे बताने में जितना अच्छा है उससे कहीं ज्यादा वापस जाने में अच्छा लगेगा। तो इस नोट के साथ, इस कोट के साथ मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। सॉरी दोस्तों, मत्कु द्वीप की आकृति मंडू का आकार ना हो, कच्छप के आकार की है। सॉरी सॉरी ना।